लिखाएंगे, लिखोगे आप लोग, लिखोगे सोनाक्षी? यस मैम, मेरी क्लास की गर्ल्स भी लिखने के लिए बोल रही है। अच्छा निकिता है ना, निकिता तो सोनाक्षी बेटा लिखा देंगे आपको, है ना। और अभी हिंदी मीडियम के हो सोनाक्षी? हाँ मैम। ठीक है बेटा, मैं लिखाऊंगी आज, आप लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे मैं लिखाऊंगी आपको। ओके मैम। कल का वैसे अच्छा किया सोनाक्षी, आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। क्या मैम आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अच्छा किया ना आपने, सही किया। अनिता चौधरी आ गई, सोनाक्षी, गरिमा चौधरी, आपने मैम नोटबुक चेक कर ली क्या फिर? क्या बेटा? हाँ नोटबुक अभी कुछ करिए, कुछ अभी कर रही हूँ बेटा। अच्छा किया है जिनका किया है, ऐसे गरिमा का भी अच्छा है, सोनाक्षी का भी सही है, अच्छा है। इस सोनाक्षी की गरी, हाँ शालू, शालू प्रजापत की भी हो गई, अनीता चौधरी का थे यानी अच्छे किए, पर वो अभी आई नहीं समीक्षा का, उसने आंसर नहीं लिखे पूरे समीक्षा। मैम उनके पास बुक्स ही नहीं है ना। नहीं उनको उसका भेजा था मैंने बेटा, इंग्लिश का भेजा था ना ग्रुप पे, तो हो सकता है लास्ट टाइम में पढ़ नहीं पाई हो, लास्ट टाइम था ना। हाँ, ये हो सकता है बेटा। मैम नोट्स स्पीड से मत लिखाना, धीरे धीरे। बेटा धीरे धीरे लिखाऊंगी, आप बोलना है ना, अपन ने देखा था ना सिलसिला चल रहा था, अभी औरों को ज्वाइन होने दो, अभी तो 9:59 हुए, तो मैम अभी डर सिलेजिनेला के नोट्स स्टार्टिंग से लिखवाओगे ना? स्टार्टिंग से नहीं, अभी जो चल रहा है ना वो पिछला पिछला भी लिखवा देंगे, पहले आगे का तो लिखवा देंगे बेटा, आगे का चलने दो, क्योंकि फिर अपना कोर्स भी हो जाए ना आगे का। अभी अपना चलेगा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया, आप लिख के देखना, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट फिर वाली पूरा रिपीट कर देंगे, पहले ये जो टॉपिक बचा था ना इसको लिखना बेटा। अभी कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है ना इसमें से, आप लोगों में से है ना, गरीबा शालू और ये तो सब सोनाक्षी, ये मैम कोई नहीं है। तो चलो अभी लिखाते हैं, 10:02 हुए। Thank you.
अंजू शर्मा आ गए, कोमल चौधरी, सविता शर्मा, खुशबू तिवारी भी आ रही है अभी। खुशबू तिवारी मोनिका चौधरी, किरण चौधरी, तनु चौधरी। यस मैम। लगा दी बेटा। तनु चौधरी, संगीता गौड़, संगीता गौड़। हाँ बेटा, अब लिखने की कोशिश करो। मैं लिखाती हूँ, पीछे बोलना, जब भी बोलना, जब नहीं लिख पाऊ। लिखो बेटा, स्त्री ध्वनि का परिवर्धन व संरचना, स्त्री ध्वनि का परिवर्धन व संरचना। सिलेजिनेला में लिखा रही हूं, सिलेजिनेला। तो इसमें लिखना बेटा, स्त्री ध्वनि प्रारंभिक में, स्त्री ध्वनि प्रारंभिक में परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक, मैं वापस बेटा, स्त्री धानी प्रारंभिक में परिणतिक विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है तथा एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे चार ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं। रुको, कहां तक लिखा है आपने? लिख लिया, जिससे चार ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। लिख लिया यहां तक? नो मैम, होते हैं बेटा, फिर ऐसे तो कैसे चलेगा अपना क्लास का। अच्छा, आप लिखो, जब बताना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, जिससे चार। हेलो, क्या बेटा? बेटा रिकॉर्डिंग तो सही नहीं हो पाएगी, आप जितना लिख पाओ। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, पर बीच में मत बोलो अभी, तो जितना लिख पाओ लिख लो। देखो मैं वापिस से बोल देती हूँ, प्राथमिक आवरण कोशिका में एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे चार ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं। इनमें एक अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिका ऊंचाई की स्त्री धानी ग्रीवा का निर्माण होता है। अब बोलो, लिखा इतना या नहीं? अब बोलो बेटा, इतना लिखा या नहीं? यस मैम, लिखा। अच्छा चलो, अब ठीक है। केंद्रीय कोशिका एक परिणतिक, एक मिनट रुकना बेटा,
केंद्रीय कोशिका एक परिणतिक विभाजन द्वारा एक प्राथमिक नाल कोशिका तथा एक अंडधा कोशिका बनाती है। प्राथमिक नाल कोशिका अविभाजित रहकर सीधे ही ग्रीवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती है। प्राथमिक अंडधा कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक अंडधा नाल कोशिका बनाती है तथा अंड का निर्माण भी करती है। वापिस बोल रही हूँ, केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल एक परिणतिक विभाजन द्वारा एक प्राथमिक नाल कोशिका तथा एक अंडधा कोशिका बनाती है। प्राथमिक नाल कोशिका अविभाजित होकर सीधे ही ग्रीवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती है। प्राथमिक अंडधा कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक अंडधा नाल कोशिका तथा अंड का निर्माण करती है। परिपक्व स्त्री यानी एक छोटी ग्रीवा व अंडधा में विभेदित होती है। ग्रीवा सतह पर उभरी रहती है तथा चार उदग्र कोशिका पंक्तियों से बनी होती है। नेक ग्रीवा की ऊंचाई दो कोशिका की होती है तथा ग्रीवा नाल में एक ग्रीवा नाल कोशिका नेक केनाल सेल पाई जाती है। अंडधा में एक अंडधा नाल कोशिका तथा अंड स्थित होता है। अब अपन देखते हैं सिलैजिनेला में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो निषेचन के समय ग्रीवा नाल कोशिका व अंडधा नाल कोशिका विघटित होकर संश्लेष्म बनाती हैं, जो जल अवशोषित करके फूल जाता है। संश्लेष्म के दबाव से ग्रीवा कोशिकाएं पृथक होकर पुमणों के प्रवेश के लिए मार्ग बनाती हैं। एक से अधिक पुमणु तैरते हुए स्त्रीधानी में प्रवेश कर जाते हैं तथा केवल एक पुमणु अंड से संयुक्त होकर जाइगोट बनाता है, जो शीघ्र ही निशिकांड ओस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। तो सिलैजिनेला की कुछ जातियों जैसे कि सिलैजिनेला क्रोसियाना में निषेचन मादा युग्म कोद्भिद के प्रकीर्णन के पश्चात होता है। अन्य कुछ जातियों जैसे कि सिलैजिनेला रूपेस्ट्रिस तथा सिलैजिनेला एपस में मादा युग्म कोद्भिद बीजाणु धानी में रहता है। इनमें विकास मान नर युग्म कोद्भिद आंशिक रूप से खुली
गुरु बीजाणु धानियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास सिलाजिनेला में कैसे होता है। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन सिलाजिनेला। तो जाइगोट का प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है जिसके फलस्वरूप एक एपिबेसल सस्पेंसर सेल, एक बाह्य अध्याधर निलंबक कोशिका तथा भीतरी अध्राधर भ्रूणीय कोशिका हाइपोबेसल एम्ब्रियोनल सेल का निर्माण होता है। निलंबक कोशिका अविभाजित रहकर अथवा विभाजनों द्वारा बहुकोशिकीय निलंबक सस्पेंसर बनाती है जो विकासशील भ्रूण को स्त्री युग्म कोधभेद ऊतक में धकेलता है। भ्रूणीय कोशिका से भ्रूण के सभी भागों का निर्माण होता है। तो भ्रूणीय कोशिका में एम्ब्रियोनल सेल में प्रथम विभाजन वर्टिकल होता है, उद्गर होता है, जिसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाएं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। प्रत्येक संतति कोशिका में पुनः उदग्र विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप चार कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इन चारों कोशिकाओं में से एक में ओब्लिक डिवीजन मतलब तिर्यक विभाजन से प्ररोह की शीर्ष कोशिका, प्ररोह की शीर्ष कोशिका एपिकल सेल विभेदित होती है। शेष तीनों व शीर्ष कोशिका की सिस्टर कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से चार चार कोशिकाओं के दो सोपान बन जाते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में भ्रूण में नौ कोशिकाएं होती हैं। अब कौन कौन सी नौ कोशिकाएं हैं? चार चार कोशिकीय के दो सोपान, एक शीर्ष कोशिका। अब दोनों सोपानों की कोशिकाएं अनियमित विभाजनों से बहु कोशिकीय एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण करती हैं। निचले सोपान की कोशिकाओं में तेजी से विभाजनों द्वारा फुट का निर्माण होता है जो चूषकांग हॉस्टोडियम का कार्य करता है। तरुण बीजाणुद्भिद के लिए युग्म कोधभिद से पोषण का अवशोषण करता है। भ्रूण के ऊपरी सोपान में विकिरण अवस्था में स्थित दो सम्मुख क्वाड्रेंट्स में से प्रत्येक की पृष्ठीय कोशिका बीज पत्रों की शीर्ष कोशिका के रूप में कार्य करती है। बीज पत्रों व शीर्ष प्ररोह के पीछे स्थित भ्रूण भाग हाइपोकोटाइल पार्ट अधो बीज पत्रीय भाग बनाता है। फुट वृद्धि कर प्ररोह शीर्ष को एक और धकेल देता है जिसके फलस्वरूप भ्रूण अक्ष निलंबक के समकोण पर आ जाता है। निलंबक की ओर स्थित फुट की एक पृष्ठीय कोशिका मूल प्रारंभिक का कार्य करती है, रूट इनिशियल का कार्य करती है। यह कोशिका विभाजनों द्वारा राइजोफोर का निर्माण करती है
जिसके शीर्ष पर जड़ें विकसित हो जाती हैं। प्राथमिक जड़ बनने के बाद बीजाणुद्भिद आत्मनिर्भर हो जाता है। तो थोड़ा अपन बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम एंड सिलाजिला की इंग्लिश में। तो आर्किगोनिया डेवलप फ्रॉम द एपिकल टिश्यू ऑफ द गेमेटोफाइट। द आर्किगोनियल इनिशियल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली इनटू ए प्राइमरी कवर सेल एंड ए सेंट्रल सेल। द प्राइमरी कवर सेल डिवाइड्स by two vertical divisions at right angles to each other and four neck initials are formed. The neck initials divide transversely to form eight neck cells which are arranged in two tiers of four cells each. In the meantime, the central cell also divides by a periclinal wall and an outer primary neck cell and an inner primary ventral cell is established. The former means the outer primary neck cell does not divide further and directly functions as neck canal cell, whereas the primary ventral cell divides transversely into a ventral canal cell and an egg. Now I will talk about the fertilization in Selaginella. The fertilization takes place after the megasporangium has fallen in the soil, but in some species fertilization occurs while the female gametophyte is still within the sporangium. Some species of Selaginella show seed habit. Just before fertilization, the neck cells of the archegonium separate from each other and form a passage for the entry of anthrozoids. After liberation of anthrozoids from the male gametophyte, anthrozoids swim in rain or dew water and reach the archegonia. Only one anthrozoid enters into an archegonium and fuses with the egg to form a diploid zygote. Now, the embryo development in Selaginella. So, the diploid zygote is the mother cell of the sporophytic generation. It divides transversely to form an upper epibasal suspensor cell and a lower hypobasal embryonic cell. As the development proceeds, the suspensor cell repeatedly divides to form a suspensor which pushes the developing embryo deep into the female gametophyte. The rest of the embryo develops from the embryonic cell. It divides by two vertical walls at right angles to each other, and so a four-celled embryo is formed. One of the four cells of the embryo divides by an oblique vertical wall and an apical cell with three cutting faces is established. The remaining three cells of the four-celled embryo and the sister cell of the apical cell divide transversely to form two tiers of four cells each. The cells of both the tiers divide irregularly, forming a multicellular embryo. The cells of the lower tier divide more rapidly than the upper tier, and due to this,
differential growth occurs. Due to this differential growth, the entire embryo apex rotates at 180 degrees and emerges to the apical pad of the gametophyte. The derivatives of the lower tier form the foot. So now I will talk about the Celestella embryo. ये तो हो गया embryo development. अब बेटा female gametophyte और था, इसको और लिख लो हिंदी मीडियम वाले. Celestella में मादा युग्म कोदभेद का विकास कैसे होता है, फिर अपना Celestella कंप्लीट हो जाता है. तो मेगास्पोर गुरु बीजाणु, इसमें लिखो गुरु बीजाणु आकार में लघु बीजाणु से कई गुना बड़ा होता है. इसकी आकृति, मतलब गुरु बीजाणु की आकृति गोलाकार होती है या चतुफलकीय होती है. बीजाणु के शीर्ष पर त्रिअरीय कटक उपस्थित होती है. अधिकांश जातियों में बीजाणु भित्ति दो स्तरीय होती है. बाह्य चोल एक्सोस्पोर स्थूल तथा ऑर्नामेंटेड अलंकृत होती है, जबकि अंतःचोल पतली परत के रूप में होती है. कुछ जातियों में जैसे कि Celestella rupestris, Celestella apus में तीन स्तरों बाह्य चोल, मध्य चोल तथा अंतःचोल में विभेदित होती है. अब अपन लेते हैं मादा युग्म कोदभेद का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन Celestella, मतलब Celestella में मादा युग्म कोदभेद का विकास. ये रिपीट कर रही हूं मैं. अधिकतर जातियों में गुरु बीजाणु का अंकुरण गुरु बीजाणु धानी के भीतर ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु Celestella Celestinoides व Celestella हेलवेटिका में गुरु बीजाणु का अंकुरण बीजाणु धानी से मुक्त होने पर होता है. तो Celestella crossiana में प्रथम स्त्री धानी बनने के तुरंत पश्चात गुरु बीजाणु मुक्त होते हैं. विभाजन से पूर्व गुरु बीजाणु के आमाप में वृद्धि होती है. कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म अंतःचोल के नीचे एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें केंद्रक अंतः स्थापित रहता है. मेगास्पोर मतलब गुरु बीजाणु के केंद्रीय भाग में बड़ी रिक्तिका वैक्यूल प्रकट हो जाती है. वह केंद्रक पुनरावृत मुक्त केंद्रकी विभाजनों द्वारा अनेक केंद्रक बनाता है, मतलब जो न्यूक्लियस है इट अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई. अनेक केंद्रक बनाता है. सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य की पतली परिधीय परत में विन्यासित रहते हैं. शीर्ष भाग में केंद्रकों की संख्या आधार भाग की तुलना में अधिक होती है. धीरे धीरे बीजाणु के जीव द्रव्य में वृद्धि होने लगती है, जिससे केंद्रीय रिक्तिका का आकार छोटा होता जाता है. वह यह पूर्णतः समाप्त हो जाती है. इसके पश्चात केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण प्रारंभ हो जाता है. भित्ति निर्माण सर्वप्रथम
शीर्षस्थ क्षेत्र में त्रि अरीय खाच के नीचे प्रारंभ होता है तथा दो से तीन स्तरीय कोशिकीय ऊतक बन जाता है। यह ऊतक शेष बहुकेंद्र की जीव द्रव्य से एक डायफ्राम द्वारा पृथक रहता है तथा जनन क्षेत्र कहलाता है। आधारी मुक्त केंद्र की भाग भी बाद में कोशिका भित्ति निर्माण द्वारा कोशिकीय हो जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, वे स्टार्च युक्त होती हैं, इसे स्टोरेज रीजन संचय क्षेत्र कहते हैं। इस अवस्था में बीजाणु भित्ति त्रि अरीय कटक से फट जाती है जिससे जनन क्षेत्र अनावृत हो जाता है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में क्लोरोफिल उत्पन्न हो जाता है तथा कुछ कोशिकाएं स्त्रीधानी प्रारंभिक में विभेदित हो जाती हैं। तो बेटा ये तो हो गया, स्लेजिला आज कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको जो ब्रायोफाइट्स कराया था, स्लेजिला टेरिडोफाइट्स, उस बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे साइलोटम, ठीक है, साइलोटम करेंगे। तो स्लेजिला में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, स्लेजिला में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहले तो सुनो, ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या बनेंगे, स्लेजिला में नर युग्म कोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए, मतलब डिस्क्राइब इन डिटेल और इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन स्लेजिला। ज्यादातर ये आता है। और दूसरा क्या है, स्लेजिला में मादा स्लेजिला में मादा युग्म कोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन स्लेजिला। तो ये दो क्वेश्चन तो स्लेजिला में बनते ही हैं। एक स्लेजिला में बनता है, स्लेजिला में विषम बीजाणुता तथा बीज स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लेना फाइनल एग्जामिनेशन में भी और वैसे भी। और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, जैसे स्लेजिला में लिग्यूल का कार्य बताइए, राइजोफोर एक स्तंभ है, इसके बारे में प्रमाण दीजिए, तीन प्रमाण या दो प्रमाण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा, राइजोफोर एक जड़ है, तीन प्रमाण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीज स्वभाव किसे कहते हैं, ये किस पादप में पाया जाता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि स्लेजिला में बनता है। सामान्य पर्ण व कायिक पर्ण में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन स्लेजिला में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जानते हो, ट्रेबिक्यूली किस परत का रूपांतरण है, तो किसका है बेटा, एंडोडर्मिस का। स्लेजिला की एक मरुद्भिद जाति का नाम लिखिए, तो कौन सी जाति है जो कि मरुद्भिद है, तो स्लेजिला लेपिडोफिला। और स्लेजिला को किन किन नामों से जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है, इसको लिटिल क्लब मॉस कहते हैं बेटा, स्पाइक मॉस कहते हैं, पुनर्जीवनी पादप कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, स्लेजिला में डायफ्राम कहाँ बनता है, तो डायफ्राम कहाँ बनता है बेटा, स्त्री युग्म कोद्भिद में जनन क्षेत्र के आधार पर डायफ्राम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुओं के काल पूर्व अंकुरण से क्या तात्पर्य है, तो बीजाणुओं में प्रकीर्णन से पूर्व ही अंकुरण प्रारंभ होता है, इसका मतलब ये है। अब लास्ट क्या है बेटा, स्लेजिला के नर युग्म कोद्भिद में कितने पुमाणु बनते हैं, स्लेजिला के जो मेल गेमेटोफाइट है, नर युग्म कोद्भिद है, उसमें कितने पुमाणु बनते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, 128 पुमाणु या 256 पुमाणु बनते हैं। और क्वेश्चन क्या आता है, स्लेजिला के गुरु बीजाणु में किस प्रकार के विभाजन होते हैं, तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, मुक्त केंद्र की
बाद में भित्ति का निर्माण होता है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। तो फ्लैजेला में अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो इनकी प्रिपरेशन आप लोग कर लेना। और एक है ग्लॉसोपोडियम फ्लैजेला के, मतलब लिग्यूल का घटक होता है, कुछ फिलिंडा ब्लैंक्स भी बन जाते हैं। तो यह अपना हो गया आज फ्लैजेला खत्म। कल अपन लेंगे बेटा, ये कल तो है नहीं, मंडे को जब क्लास होगी तो इक्यूसिटम तो अपन ने कर ही लिया, कुछ रिपीट कर रहा है तो बोलो तो अपन आगे ही चलेंगे, साइलोटम या फिर कुछ और पार्ट ले लेंगे, राइनिया, ठीक है, राइनिया और साइलोटम।